अब बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इज नथिंग बट द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि किसी भी चार्ज और चार्ज सिस्टम के सराउंडिंग में जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरीके से प्रिवेलिंग है सराउंडिंग स्पेस में, दैट वी कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहले हम ये समझते हैं, देखो यहां पे कि मानो कि हमने कोई चार्ज क्यू ले लिया, राइट। तो उस चार्ज से हम आर वन डिस्टेंस पे एक सरफेस लेते हैं एंड आर टू डिस्टेंस पे एक अनदर सरफेस लेते हैं एंड देयर वी कंसीडर द पॉइंट्स पी वन एंड पी टू। हियर ओपी वन दैट इज आर वन, ओपी टू दैट इज आर टू, बट दिस सरफेसेस आर कंसीडर्ड इन सच अ वे, ये सरफेसेस हमने ऐसे ली हुई है कि दोनों सरफेस ने ओ के पास जो सॉलिड एंगल सबटेंड किया है दैट इज सेम वन डेल्टा ओमेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है उससे हम ये भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे स्ट्रांग है और कहां पे वीक है। देखो यहां पे हम मानो कि एक सरफेस आर ले ले और दूसरी सरफेस यहां पे एस ले ले। आर एंड एस दोनों सरफेसेस सेम एरिया वाली है, राइट। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू आर दैट इज मोर देन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एस। तो इसका मतलब यह हुआ कि नंबर डेंसिटी ये सरफेस के लिए ज्यादा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, हम ऐसा कह सकते हैं। और यहां पे नंबर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस लेस है तो हम कह सकते हैं कि दिस वन इज द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, ई इज स्ट्रांग नियर द चार्ज, सो द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज मोर नियर द चार्ज एंड द लाइंस आर क्लोजर अवे फ्रॉम द चार्ज, यहां से दूर गए हम एस पे, द फील्ड गेट्स वीकर एंड द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज लेस रिजल्टिंग इन वेल सेपरेटेड लाइंस। अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दस अ वे ऑफ पिक्चोरियल मैपिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कन्फ्यूग्रेशन ऑफ चार्जेस। मतलब कि हमें जो चार्ज और कन्फ्यूग्रेशन ऑफ चार्ज दिया हुआ है उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एडजस्टेड है, कैसे प्रिवेलिंग है, वो हम समझ सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इन जनरल अ कर्व ड्रॉन इन सच अ वे दैट द टेंजेंट टू इट एच इट ईच पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फील्ड एट दैट पॉइंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कोई चार्ज कन्फ्यूग्रेशन ले लिया और उसके सराउंडिंग में डिफरेंट 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 पोजिशन पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। देन आफ्टर हम एक ऐसा कर्व प्रिपेयर करते हैं पासिंग थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स इन सच अ वे दैट कि वो जो डायरेक्शन है फोर्स की वही इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, तो वो हर एक पॉइंट के पास वो कर्व को टेंजेंशियल बने, तो इस तरीके से जो कर्व प्रिपेयर होगा उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है बच्चों। नाउ इन थ्री डायमेंशंस द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय स्मॉल परपेंडिकुलर प्लेन एरिया डेल्टा एस। तो ऐसा एरिया यहां पे सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा क्योंकि चार्ज क्यू की फील्ड लाइंस ये सिर्फ प्लेन में नहीं जाएगी, चार्ज क्यू यहां पे है तो ये डायरेक्शन में भी जाएगी, यहां भी पीछे भी जाएगी, नीचे भी, मतलब कि चारों ओर फील्ड लाइंस होगी, राइट। एट अ डिस्टेंस आर कैन बी रिटन एज नाउ डेल्टा ओमेगा सॉलिड एंगल दैट इज एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। वी नो दैट इन अ गिवन सॉलिड एंगल द नंबर ऑफ रेडियल फील्ड लाइंस इज द सेम। यहां पे देखो दोनों सरफेस एरिया हमने ऐसे सिलेक्ट किए हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस
पासिंग थ्रू बोथ द एरियाज दैट इज सेम वायर. तो इन फिगर फॉर टू पॉइंट्स P1 एंड P2 एट डिस्टेंस R1 एंड R2 फ्रॉम द चार्ज, द एलिमेंट ऑफ एरिया सबटेंडिंग द सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा इज एट R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा. ओके, तो डेल्टा S क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा इंटू R स्क्वायर. तो P के पास हम लिख सकते हैं कि सरफेस एरिया दैट इज R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा एट P1 एंड एन एलिमेंट ऑफ एरिया R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा एट पॉइंट P2 रिस्पेक्टिवली. नाउ द नंबर ऑफ लाइंस से N कटिंग दिस एरिया एलिमेंट आर द सेम, सो वी कैन राइट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग यूनिट एरिया एलिमेंट दैट इज, नाउ अवर एरिया एलिमेंट इज R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट दैट इज N, सो पर यूनिट एरिया दैट इज N अपॉन R1 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा एट P1. सिमिलरली N अपॉन R2 स्क्वायर डेल्टा ओमेगा एट P2 रिस्पेक्टिवली. सिंस N एंड डेल्टा ओमेगा कॉमन है, वो कॉन्स्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड क्लियरली हैज अ 1/r² डिपेंडेंस. मतलब कि जैसे आप चार्ज से दूर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल चेंज एज पर 1/r² क्लियर बच्चों.